गंगा जी में न्यूनतम प्रवाह के बारे में शायद सबसे पहली चर्चा 1916 में स्वर्गीय आदरणीय पंडित मदन मोहन मालवीय जी और उनकी नीत 32 हिंदू प्रतिनिधियों की समिति जब सरकार के साथ गंगा जी के प्रवाह के बारे में चर्चा कर रही थी और विशेष रूप से उनकी चिंता हर की पैड़ी के पास अविरल गंगा की धारा आने की थी। उस समय एक ये समझौता किया गया था कि हर की पैड़ी पर गंगा जी की धारा में न्यूनतम प्रवाह 1000 क्यूसेक रहेगा। क्यूसेक का अर्थ होता है घन फीट प्रति सेकंड। तो 1000 घन फीट प्रति सेकंड वर्ष के किसी भी समय गंगा जी में हर की पैड़ी पर न्यूनतम प्रवाह रहेगा, ये उस समझौते में था। इसको बाद में कई लोगों ने इस प्रकार समझने की या परिभाषित करने का प्रयास किया कि ये गंगा जी के हर जगह पर और हमेशा के लिए लागू होता है, और कहा गया कि अरे वो तो समझौता है 1916 का, वो हर जगह लागू होना चाहिए। तो ये समझा जा सकता है कि हर स्थान पर गंगा जी में एक सा प्रवाह न रह सकता है, न उसकी अपेक्षा की जा सकती है, और हर की पैड़ी पर जो प्रवाह है वो अलकनंदा जी में नहीं मिल सकता, भागीरथी जी में नहीं मिल सकता, वहां वो उनमें प्रवाह बहुत कम रहेगा। और साथ ही अगर 1000 क्यूसेक हर की पैड़ी पर होना है तो बिजनौर में या कानपुर में या नरौरा में हम वही 1000 क्यूसेक नहीं मांग सकते, उससे कहीं अधिक मांगेंगे। तो उस 1000 क्यूसेक के बारे में तो जब कृष्ण गोपाल जी अभी 23 जुलाई को मिलने आए तब भी उन्होंने कहा अरे वो तो समझौता है, उसका पालन ही होना है। मैंने कहा वो समझौता कहां के लिए है, हर जगह वही थोड़े ही हो सकता है। तब उनकी ये समझ में आया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रवाह होते हैं, अलग अलग मौसम में अलग होते हैं, तो इसकी गणना की आवश्यकता है। न्यूनतम प्रवाह की क्यों आवश्यकता है, पर्यावरणीय प्रवाह क्या होता है, तो ये एक वैज्ञानिक तथ्य है और इनकी गणना वैज्ञानिक आधार पर की जाती है। और उस वैज्ञानिक आधार पर ये गणनाएं जो IIT कानपुर के समुदाय को केंद्र सरकार ने 2010-11 में सौंपी थी, उसके अंतर्गत उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अंततः गंगा जी पर 10 स्थानों के लिए गणना करके बताया है कि किन दिनों में न्यूनतम प्रवाह, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह कितना होना चाहिए। और मुझे कोई कारण नहीं लगता कि IIT समुदाय की हुई इस गणना के बाद कोई विचार करने की आवश्यकता केंद्र सरकार को या किसी भी अगर दूसरे वैज्ञानिक को होनी चाहिए थी। जो इस नोटिफिकेशन में, तथाकथित नोटिफिकेशन में कहा गया है, वो उत्तराखंड में गंगा जी की विभिन्न धाराओं में कहा गया है कि नवंबर से मार्च तक के महीने में 20% न्यूनतम प्रवाह रहेगा। आधार, वैज्ञानिक आधार कुछ नहीं दिया, यद्यपि उसके पालना का आधार वही है जो IIT समुदाय ने दिया है, और वो है परसेंटेज ऑफ मंथली एवरेज फ्लो ऑब्जर्व ड्यूरिंग ईच प्रीसीडिंग 10 डेज डेली। तो 10 दिन के पीरियड को आधार बनाते हुए जो परसेंटेज उन्होंने न्यूनतम वर्जिन फ्लो की 50% थी, उसको इन्होंने घटाकर नवंबर से मार्च तक केवल 20% कर दी है। तो जब तक इसका वैज्ञानिक आधार नहीं दिया जाए तो हम ये कैसे स्वीकार कर लें कि 50% नहीं मात्र 20%। उसे अक्टूबर से मई तक के अक्टूबर तथा अप्रैल और मई दो में, मतलब वर्ष के 3 महीनों के लिए अक्टूबर अप्रैल और मई के लिए 25% कर दिया गया है, और जून से सितंबर तक के लिए, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इन 4 महीनों के लिए 30%।
तो मतलब जो कम प्रवाह के महीने हैं उनमें 20, जिनमें बीच का प्रवाह रहता है उनमें 25%, और जब अधिक प्रवाह रहता है तो 30%। कितनी मूर्खता की बात है। तो पूरी गंगा जी में हरिद्वार से नीचे और प्रयाग तक में ये मानू कि वो 1700 क्यूसेक बरसात में और 840 क्यूसेक बाकी के 8 महीनों में कह रहे हैं, और इसको कह रहे हैं कि हमने बड़ी उपलब्धि कर दिया। बरसात के महीनों में तो गंगा जी में हजारों क्यूसेक पानी रहता है, उन 4 महीनों की बात करके 1700 कहना तो गंगा जी का अपमान करना है। उन महीनों में तो गंगा जी क्या छोटी छोटी नदियों में हजारों की क्यूसेक पानी, जैसे अकेली राम गंगा में इतना आता हो, काली में शायद इतना आता हो, तो ये तो अपमान करना है एक प्रकार से। और इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं, कोई गणना नहीं, कोई इशू किसको किया गया ये नहीं। और सबसे अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी किसकी? वही जल संसाधन आयोग और तथाकथित नमामि गंगे की। अरे उनके जो अधिकारी हैं वो आज नहीं है क्या? केंद्रीय जल संसाधन आयोग भारत के स्वतंत्र होने के तुरंत बाद बन गया था। आज तक उन्होंने गंगा जी की रक्षा नहीं की, अब आज वो गंगा जी की रक्षा करेंगे, उसके वही अधिकारी। तो मुझे तो इन सरकारी टुकड़खोरों पर जरा भी भरोसा नहीं है कि इनके भरोसे गंगा जी की रक्षा होगी। और मैं तो सीधे ये कहूँगा कि इसकी गणना उन वैज्ञानिकों से हो जो अपने आप को सरकारी नौकर या अधिकारी न मानते हों। और जैसा कि IIT के अध्यापकों ने मिल बैठकर गंगा जी के लिए 50% अविरल प्रवाह की गणना की, और जो उन्होंने 10 स्थानों के लिए की, उन 10 स्थानों पर जैसी उन्होंने गणना की उसका क्रियान्वयन हो, और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी गंगा भक्त और जिम्मेदार लोगों को सौंपी जाए, सरकारी टुकड़खोरों को नहीं।